5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन होने जा रहा है। राम मंदिर जिसकी परिकल्पना वर्षों पहले की गई थी अब आकार लेने जा रहा है, और जब पूरी तैयारियां हो चुकी हैं कैसा होगा राम मंदिर और उसका जो ओरिजिनल डिजाइन था उसमें अब क्या बदलाव किए गए हैं, किस तरह के एक्सपेंशन किए गए हैं, ये जानने के लिए हम खुद बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट आशीष भाई से, आशीष सोमपुरा से, जिनके पिताजी और आशीष और उनके ब्रदर जो हैं वो मिलकर के इस टेम्पल का पूरा डिजाइन तैयार कर रहे हैं। किस तरह से टेम्पल के डिजाइन में फेरबदल किए गए हैं, क्या उसमें चेंजेस किए गए, थोड़ा सा हमें बताइए। चेंजेस में तो ओरिजिनल डिजाइन जो पहले था उसके गर्भगृह के या उसके शिखर में और आगे के गुड़ मंडप में, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो काफी हद तक कंस्ट्रक्ट हो चुका था जो खड़ा होके पत्थर था। और जैसे बताया कि फुटफॉल जो है वो अभी ज्यादा होगा, 30 साल पहले जो सोच थी कि कितने लोग आएंगे, जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, उससे ज्यादा भी इसका पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जिस हिसाब से फुटफॉल आएगा उस हिसाब से कुछ मंदिरों का स्टडी किया गया, मंथन किया गया कि उनको कैसे सबसे ज्यादा सहूलियत और इजीली मूवमेंट करने को मिल सके, उस हिसाब से हम लोगों ने जैसे कि पहले ये शिखर और गुड़ मंडप था, अभी साइड में ये 2 मंडप और बढ़ाए गए हैं और एक फ्रंट में ये मंडप बढ़ाया गया है। जैसे यानी पहले पहले क्या था, ये फ्रंट व्यू है मंदिर, ये फ्रंट व्यू है मंदिर का। तो जैसे ये नृत्य मंडप था और गुड़ मंडप था और शिखर था जी, ठीक है। तो अभी उसके आगे एक और नृत्य मंडप बढ़ाया गया है, साइड में कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप 2 साइड में बढ़ाए गए हैं। ओके, साइड से देखने में कैसा लगे, जैसे फ्रंट में ये देखने में ऐसा लग रहा है ये इसका साइड प्रोफाइल है, तो इसके कुछ फ्लोर्स भी बढ़ाए गए हैं हमने देखे। जैसे नहीं, कोई भी आर्किटेक्चर में आप देखिए कि थोड़ा अगर विड्थ बढ़ता है तो सामने अगर हाइट बढ़ाना पड़ेगा तो ही प्रोपोर्शनेट बिल्डिंग वो जो प्रॉपर लगेगा। तो जैसे ही ये दोनों हम लोगों ने साइड में फ्लोर एरिया बढ़ाने के लिए बढ़ाए गए तो हमें ऐसा लगा कि उसका हाइट भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए, तो एक फ्लोर और हाइट बढ़ा दिया। तो ये हमें जरा समझाएंगे आप, जैसे कि ये पहले पुराने हिसाब पुराने हिस्से में यहाँ तक था ये चीज, और शिखर का ये जो पोर्शन है वो यहीं पे आ रहा है था। उसकी जगह अभी इतना हाइट हम लोगों ने एक फ्लोर का बढ़ा दिया, लेकिन सेकंड फ्लोर वो पब्लिक के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ प्रोपोर्शन और उसके लिए जो हाइट बढ़ाना पड़े उसी के लिए बढ़ाया गया। बाकी पुराने में जैसे ग्राउंड फ्लोर पे रामलल्ला थे और फर्स्ट फ्लोर पे राम दरबार था, वही रहेगा, और सेकंड फ्लोर वो इज नॉट फॉर पब्लिक। तो ये इस तरह से मंदिर का जो ये इतना हम देख रहे हैं भव्य स्वरूप, इसको जरा अगर फ्रंट पोर्शन आप दिखाएं इसका, अगर फ्रंट से आप इसको देखें तो देखिए कितना भव्य ये मंदिर लगता है। ये मुझे ये बताइए कि इसको एक्सपैंड करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या फैक्टर्स थे? फैक्टर्स जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आज से 30 साल पहले जो उस टाइम पे लोगों ने सोचा था कि पापा ने जैसे वीएचपी के साथ बैठ के जो बनाया, तो उस टाइम पे जो वहाँ पे फुटफॉल था और उन लोगों ने जो उस टाइम पे फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए सोचा था उससे कई गुना ज्यादा अभी फुटफॉल होगा वहां पे, क्योंकि जैसे मीडिया इतना कवर कर रहा है, काफी लोगों की भावनाएं पहले से जुड़ी हुई है लेकिन अभी और ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं इस मंदिर के साथ। तो जैसे पब्लिक ज्यादा आने लगती है तो उसके लिए फ्लोर एरिया हमको बड़ा चाहिए था। तो जैसे फ्लोर एरिया बढ़ाते हैं तो उसके साथ टेम्पल के कुछ नीति नियम होते हैं, उसके साथ कुछ और चीजें भी हमको बढ़ानी पड़ती हैं, तो शिव शास्त्र के हिसाब से उस चीज को बढ़ा के हाइट और उसके विड्थ को प्रोपोर्शन में लिया गया। थोड़ा सा आप हमें पिक्चर के अंदर अगर समझाएं दोनों एंगल से कि क्या अब इसकी हाइट रहेगी और क्या इसका डायमेंशन है। हाँ, जैसे ये पूरा हाइट है टोटल, ये पोडियम के बिना है, पोडियम के साथ अगर आप हाइट देखेंगे 161 फीट हाइट है टॉप शिखर तक। इसका जो पूरा पोडियम के साथ विड्थ है वो 360 फीट विड्थ रहेगा, इसका लेंथ रहेगा, और जो विड्थ है वो रहेगा करीबन 235 फीट। तो लेंथ अगर हमें देखनी है, लेंथ अगर देखेंगे तो यहाँ से लेंथ अगर देखेंगे तो आप दूसरे पिक्चर में देखेंगे तो जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक रहेगा जी। और जैसे अगर आप विड्थ की बात करें तो फ्रंट भूमि जो यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा जी। तो वैसे अगर देखा जाए तो टेम्पल का जो साइज है ऑलमोस्ट डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया, क्योंकि पहले सिर्फ लीनियर मंडप्स थे, अभी और साइड में 2 मंडप बढ़ गए तो विड्थ भी थोड़ा काफी कुछ तक बढ़ गया है उसका। आप बता रहे हैं बहुत सारे टेम्पल्स की स्टडी की गई है, जो मोस्ट विजिटेड टेम्पल्स है, कौन कौन से टेम्पल्स की स्टडी की? काशी विश्वनाथ टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल है, फिर अंबाजी टेम्पल है,
तिरुपति टेम्पल है, वो मतलब जो मोस्ट विजिटेड टेम्पल्स हैं इंडिया के, उन सभी को 10-12 जो हैं उन सभी को स्टडी किया गया, उनके फुटफॉल को स्टडी किया गया कि कैसे लोगों को वो मैनेज करते हैं, कितने लोग कितने टाइम में दर्शन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सब सोच के फिर इसका स्वरूप बढ़ाया गया है। अंदर स्पेस भी उसी हिसाब से मॉडिफाई किया गया है, सीढ़ियां वगैरह भी, सीढ़ियां वगैरह भी मॉडिफाई की गई हैं, क्योंकि पहले पुराने में 6 फुट की विड्थ की स्टेयरकेस थी, अब अगर इतने सारे लोगों को हमें ले जाना पड़े ऊपर तो उसका विड्थ भी बढ़ाना पड़ा, तो 6 फुट के करीबन हम लोगों ने 16 फुट की विड्थ कर दी है, तो 16 फुट आने के लिए और 16 फुट जाने के लिए, तो सहूलियत इतने लोगों को इजिली जा सके उसके लिए। और जो पुराने शिलाएं थी जिनको पूजन करके भेजा गया था उन पे काफी काम भी हुआ है, करीब 50% जितना काम उसमें हो चुका था, तो क्या उनका उपयोग उसी तरह से किया जाएगा? उसी तरह से किया गया, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि ओरिजिनल स्वरूप को बदला नहीं गया है, जो गर्भगृह है और गुड़ मंडप है और उसके ऊपर 2 फ्लोर्स थे, जो उसको हमने नहीं बदला है, क्योंकि उसकी हम भी जानते हैं कि लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई है, एक इमेजिनेशन है लोगों का कि पहले से इतने 30 सालों से लोग देख रहे हैं कि राम मंदिर ये है, तो वो हम नहीं चेंज करना चाहते थे, लेकिन साथ साथ सहूलियत भी बढ़ाना चाहते थे, तो इस हिसाब से हम लोगों ने 2 मंडप साइड में और एक आगे बढ़ाया दिया गया। क्या इस मंदिर के डिजाइन को चेंज करने का भी कोई प्रपोजल था? मतलब नहीं, मतलब ऐसा कोई प्रपोजल न्यास की तरफ से तो नहीं था, लेकिन कुछ लोगों का ये मंतव्य था कि हम लोग अगर पूरा अलग से ही करें और बड़ा बनाया जाए तो भी, लेकिन जैसे शिल्प शास्त्र में बताया कि ये स्टोन कंस्ट्रक्शन ही होता है, तो इसमें काफी चीजें हद तक हमको स्पानिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ स्पान से बड़ा हम लोग स्पान नहीं कर सकते हैं, और शिल्प शास्त्र के हिसाब से भी कुछ स्पानिंग जो हमारा रहता है उससे ज्यादा हम लोग बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो उस हिसाब से वो जो बेस्ट था वही हम लोगों ने इसमें किया हुआ। तो अब मंदिर का कितना मतलब कंस्ट्रक्शन एरिया कितना स्क्वायर फीट का हो जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा? एग्जैक्टली स्क्वायर फीट तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन करीबन अगर जिसको कारपेट एरिया बोलते हैं अगर वो बोलने जाएंगे तो करीबन 30,000 स्क्वायर फीट के आसपास हो जाएगा। और ये कितने वर्षों तक इसी तरह से टिका रहेगा जो पत्थर हैं? मतलब हजारों सालों तक इसको कुछ नहीं, क्योंकि वी लोहा यूज नहीं करते हैं और सिर्फ अभी जो पुराना सिस्टम है वही टंग एंड ग्रू जॉइंट के साथ ही हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो इसको कुछ हजारों सालों तक कुछ नहीं होने वाला है। तो जैसा कि कल्पना की जा रही थी कि राम मंदिर जब आकार लेगा किस तरह का एक भव्य मंदिर होना चाहिए, ठीक उसी तरह की संरचना इस डिजाइन में दिख रही है राम मंदिर के। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मूल आकार था मंदिर का और जो मूल शिलाएं थी उनका पूरा उपयोग किया जाएगा, क्योंकि कई सालों से दशकों से लोगों की भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए उसे ध्यान में रखते हुए मूल आकार में बिना बदलाव किए उसे एक्सपांड करके और ज्यादा भव्य रूप दिया जा रहा है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।